हाई गाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे सो so, अभी ही महिंद्रा ने रिवील कर दिया अपनी 2020 महिंद्रा थार और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी लॉन्च डेट भी बताने वाला हूँ कि कब वो कार लॉन्च होने वाली है तो so, इससे पहले इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ मैं एक छोटे इधर सब्सक्राइब बटन साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सके क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए सबसे पहले इस कोई भी नए टॉपिक पर वीडियो लेके आ पाऊँ महिंद्रा लॉन्च होने वाला है दैट विल बी ऑन सेकेंड ऑफ अक्टूबर एंड ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है महिंद्रा ने इस कार के बारे में बस प्राइजिंग ही रहती है एंड द मॉडल विल बी ऑफर्ड इन टू पावर ट्रेन जो है टू लीटर का एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन गैसलीन इंजन जो प्रोड्यूस करता है 150 हंड्रेड फिफ्टी बी एच पी एंड टू पॉइंट टू लीटर एम हॉक डीजल इंजन जिसकी पावर रहती है 130 हंड्रेड थर्टी बी एच पी एंड थ्री हंड्रेड न्यूट्रन मीटर्स ऑफ टॉर्क तो इस दोनों आपको दोनों मतलब कि जो इंजन है उसमें सिक्स स्पीड मैनुअल यूनिट भी देखने को मिलेगा एंड ए सिक्स स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक यूनिट एज वेल और फोर बाई फोर ट्रांसफर केस विल बी अवेलेबल एज स्टैंडर्ड द न्यू थार विल अवेलेबल इन टू ट्रिम्स इंक्लूडिंग ए एक्स एंड एल एक्स और साथ ही साथ आपको लो क्रॉल रेशियो वाला गेयर भी देखने को मिलता है वो मैनुअल ही है कोई डायल डुल नहीं दिया है वो मैनुअल गेर ही रहेगा चाहे आप ऑटोमेटिक भी ले लीजिए सो so, okay, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एल एक्स और ए एक्स वेरियंट्स में बिकेगी सो so, मैं उस वेरियंट वाइज फीचर्स भी समझा देता हूँ आपको ए एक्स में जो आपको फीचर मिलेंगे आप अपनी स्क्रीन के सामने भी देख पा रहे होंगे ए एक्स में स्टैंडर्ड फीचर्स हैं फिक्सड सॉफ्ट टॉप सिक्स सीटर टू फ्रंट प्लस फोर साइड फेसिंग जी हाँ आप साइड फेसिंग सीट्स भी ले पाएंगे आर सिक्सटीन वाइट स्टील व्हील्स स्टील फुट स्टेप्स मकैनिकल लॉकिंग डिफ्रेंशियल्स पावर स्टेयरिंग प्लस पावर विंडोज एच वी ए सी डूअल एयर बैग प्लस ए बी एस सेंटर लॉकिंग, इंड टेली पार्क रेयर पार्किंग असिस्ट और इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको डीजल विद मैनुअल एंड पेट्रोल विद मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगी इन दर थार एक्स ऑप्शनल बैग में आप लगा सकते हैं कन्वर्टेबल टॉप और हार्ड टॉप फ्रंट फेसिंग रेड सीट्स विद रोल केज प्लस रिमोट कीलेस एंट्री विद हार्ड टॉप और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एज वेल एल के बारे में बात करें इन एडिशन टू ऑल द फीचर्स ऑफ ए उसमें मिलेंगे हमें कन्वर्टेबल हार्ड टॉप ऑप्शन फोर सीटर कन्फिग्रेशन डुअल टोन बम्पर्स मोल्डेड फुट स्टेप्स आर एटीन अलॉय व्हील्स विद टू फिफ्टी फाइव बाई सल ई प्लस फ्रंट फॉग लैम्प हाइट प्लस लंबर एडजस्टमेंट ऑन फ्रंट सीट्स प्रीमियम फैब्रिक अपोस्ट्री टच स्क्रीन इंफरटेनमेंट प्लस टी एफ स्क्रीन एडवेंचर स्टार्ट एंड एडवेंचर कैलेंडर जी हाँ आप आपको टच स्क्रीन में एडवेंचर स्टार्ट भी देखने को मिलेंगे मतलब कि अगर आप ऑफ रोड जाते हैं तो आपको अपनी कार की इंक्लाइन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी मतलब कि कितने डिग्री इनक्लाइन है एंड ऑल सब इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने मिलेगी एंड ऑल्सो वी विल गेट टायर ट्रॉनिक्स एंड टायर डायरेक्शन मोनिटरिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक एच वी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल और एल में आपको इंजन एंड ट्रांसमिशन जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे दैट विल बी डीजल विद मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड पेट्रोल विद ओनली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड अगर हम इसके कलर्स ऑप्शन के बारे में बात करें तो so, इसमें सिक्स कलर ऑन ऑफर हमें देखने मिलेंगे गाइस वन विल बी रेड रेज मिस्टिक कॉपर गैलेक्सी ग्रे नेपोली ब्लैक रॉकी बेज एंड एक्वा मरीन इसमें हमें दो नए कलर ऑप्शन देखने मिलते हैं विच आर गुड एंड जो अभी मैंने अपनी कुछ टाइम पहले वीडियो बना के डाली थी ऑन दी महिंद्रा थार जिस पर आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया अराउंड एटी टू थाउजेंड व्यूज़ हैं अभी उस पर एंड उसमें मैंने जो स्पाइस शर्ट दिखाया था वो एक्वा मेरीन कलर में था जो बहुत ही अच्छा लगता था एंड गाइज अब ये मैं इसकी वाटर वेटिंग अबिलिटी के बारे में भी बता देता हूँ एंड ग्राउंड क्लियरेंस का रहने वाली उसका भी बता देता हूँ सो आप अपनी स्क्रीन के सामने एक इमेज देख पा रहे होंगे वाटर वेडिंग एबिलिटी जो है इसकी वो है सिक्स हंड्रेड फिफ्टी मिलीमीटर्स की डिपार्चर एंगल थर्टी सेवन डिग्रीज़ है रैम्प ओवर एंगल ट्वेंटी सेवन डिग्रीज़ है अप्रोच एंगल फोर्टी टू डिग्रीज़ है एंड 226 मिलीमीटर mm की अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हमें देखने को मिलती है विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग सो जो पुरानी वाली थार थी मतलब ये अभी जो करंटली बिक रही है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो है 210 मिलीमीटर ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस एंड महिंद्रा ऑल्सो क्लेम्स दैट द इंटीरियर ऑफ द न्यू महिंद्रा थार इज़ कंप्लीटली वॉशेबल जी हाँ अगर आपका इंटीरियर गंदा हो जाता है तो आप उसको वाटर से वॉश कर सकते हैं विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग और टच स्क्रीन में हमें कनेक्टिविटी फीचर्स भी बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल का प्ले एज वेल विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग ओवरऑल द थार इज इम्प्रूवड अ लॉट फ्रॉम इट्स प्री डिसेसर डिज़ाइन थोड़ा मतलब कि एग्जैक्ट रखा है एज कंपेयर्ड विद द ओल्ड जनरेशन मगर ओवरऑल द कार लुक्स अमेजिंग मुझे इसकी रेयर प्रोफाइल जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है गाइस एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका फ्रंट प्रोफाइल इतना भी पसंद नहीं आया है बिकॉज थोड़ा सा मुझे इसमें जो ग्रिल है वो थोड़ी इम्प्रूव्ड हो सकती थी बट एवरी वन हैज देयर ओन ओपिनियन ओवरऑल द कार इज़ अ वेरी ग्रेट पैकेज एंड प्राइजिंग अगेन गाइज वो पता चली ये मैं सेकेंड अक्टूबर को ही जब इस कार का, का लॉन्च हो जाएगा अभी वेट करते हैं मैं तो अभी रिव्यू कर नहीं सकता हूँ कार को बिकॉज वेन इट विल बी लॉन्च तभी मैं रिव्यू कर पाऊँगा बट एज दे आर होल्डिंग फ्रीडम इवेंट ऑन इंडिपेंडेंस डे इन डेली मुंबई एंड कोची